नमस्ते फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आज मैं लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो। आप जो पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं मशीन 438 सी मॉडल का पैटर्न कैसे रखते हैं, एक स्केल, वाई स्केल और स्पीड को कैसे बढ़ाते हैं घटाते हैं, वो हम ये वीडियो में देखते हैं। और पैटर्न नंबर भी, अगर आपका क्रॉस स्टिच चाहिए, टू होल्स चाहिए, पैरल स्टिच चाहिए, तो मैं ये वीडियो में आपको बता के दूंगा 438 सी में कैसे रखते हैं पैटर्न को और प्रोग्राम का नंबर क्या है। तो फ्रेंड, पहले तो आपको दिल से बहुत शुक्रिया कि मेरा 1 सब्सक्राइबर के कंप्लीट कर दिया है आपने। आप इसी तरह मेरे ऊपर प्यार बनाए रखिए और मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में चलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। हाँ, ये कर लो पहले। तो चलिए फ्रेंड, फर्स्ट स्टेप में चलेंगे। एक स्लाइडर डोर है, इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो इसका डिप स्विच 3 ऑन कर लीजिएगा आप। डिप स्विच ऑन कर लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाएंगे। तो उसके बाद फ्रेंड, टेस्ट एंड सेलेक्ट दोनों एक ही साथ दबाएंगे हम लोग। तो देखिए, आपको PP5 आ जाएगा। आप PP1 कर लीजिएगा। P1 में क्या प्रोग्राम रखा हूँ आप ये वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं आपको इमेज भी दिखा दूँगा क्या कर रहा है उधर। देखिए फ्रेंड, एक स्केल, वाई स्केल मैं अपना बटन के हिसाब से 70-70 रखा हूँ। अगर आपका 18L है तो आप 75 भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, P2 में क्या प्रोग्राम रखा हूँ देख लीजिएगा आप। P2 में मैं 18 प्रोग्राम रखा हूँ और एक स्केल, वाई स्केल 72-72 और स्पीड में 2000 स्पीड में रखा हूँ। और देखिए P3 में, देखिए फ्रेंड आपको डिस्प्ले में दिखता रहेगा, P3 में मैं 2 ओल्स का प्रोग्राम रखा हूँ। इसको मैं एक स्केल, वाई स्केल 85-85 रखा हूँ। और P4 में क्या है, P4 में भी एक्स बटन का ही रखा हूँ मैं। उसमें क्या है, टीचिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं आप पैरामीटर देख के, इसलिए मैं वो पैरामीटर भी दे दिया हूँ आपको। इसके बाद मैं 4 प्रोग्राम कर चुका हूँ, P1, P2 एंड P3 एंड P4। तो इसके बाद मैं आपको एक एक बटन का टीचिंग करके भी बता दूंगा। ये देखिए फ्रेंड, ये मैं पैरेलल स्टिच पहले टीचिंग करके बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए ये पैरेलल स्टिच है, फिर से एक बार करेंगे, ये हो गया 4 होल्स पैरेलल स्टिच। और नेक्स्ट P2 रखेंगे। P2 में मैं X प्रोग्राम रखा हूँ 18 प्रोग्राम में। ये देखिएगा आप, फिर से एक बार करेंगे, देखिए आप। नेक्स्ट स्टेप P3, P3 में 2 होल्स रखा हूँ, लेकिन 2 होल्स का बटन नहीं है मेरे पास। मैं आपको ये मैन्युअली करके बता दूंगा, आप देख लीजिएगा 2 होल्स आ गया है। फिर से एक बार करेंगे, देखिए फ्रेंड 2 होल्स। एंड नेक्स्ट स्टेप P4 में भी
मैं एक्स ही रखा हूँ, लेकिन उसमें स्टिचेस ज़्यादा है। ये आके कोट बटन के लिए या काटन पैंट बटन के लिए ये मैं सेट किया हूँ। देखिएगा आप, बटन का साइज़ देख लीजिएगा, ये 18L है और ये 23L है। एक्स स्केल वाई स्केल में 100 में सेट किया हूँ। स्पीड आके मैं 2000 में सेट किया हूँ। तो भी ये बटन का भी स्टिचिंग करके मैं बता दूंगा। देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना क्लियरली आ रहा है स्टिचेस। ओके फ्रेंड, इतना ही था ये वीडियो में। फिर से मिलता हूँ फ्रेंड, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। और वीडियो में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर करके जाइएगा फ्रेंड। बाय।